युवा संगठन धरनावदा के तत्वाधान में मनाया गया मिट्टी के गणेश प्रतियोगिता का महाआयोजन, जिसमें 130 प्रतियोगियों ने मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाकर इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान की प्रतिमाओं का चयन किया, जिसमें प्रथम स्थान पर कविता ओझा, द्वितीय स्थान पर नितेश कुशवाहा, तृतीय स्थान पर नीलू ओझा रहे। बाकी प्रतियोगियों का सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस आयोजन के बारे में नितिन शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य गांव घरों में जन जागृति लाना है। यह प्रतियोगिता में मिट्टी से बने मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिससे अन्य घाटक एवं केमिकल पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। इन प्रतिमाओं को घरों में विसर्जित किया जाता है, तो विसर्जन के बाद इनमें वृक्षारोपण किया जाता है। इस बार आपको एक मौका दिया जा रहा है, इस बार आप गांव के अंदर कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीयता के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए कोई कार्य होते हैं, उनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। खासकर कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेजों में हैं, जो 12वीं क्लास में, 11वीं में, 10वीं में, जो समझदार के बच्चों को मैं नहीं कह सकता, आप उनमें भाग लीजिए। थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, और एक चीज और बता रहा हूँ आपको, आपके गाँव में जो ये कार्यक्रम हो रहा है ना, ये कार्यक्रम सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी और ये पोर्टल में खुलेगा। आपने देखा होगा इस बार मध्य प्रदेश में एक प्रतियोगिता कराई जा रही है मिट्टी के गणेश, जो हम अगली वर्ष से कर रहे हैं। ऐसे संदेश, ऐसे फोटो वहां पर पहुंचते हैं। और ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गजानंद भगवान की, गजानंद भगवान की। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में ऐसे आयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?